नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। बिसंडा ब्लॉक के कई गांवों के लोगों ने आवास शौचालय खरंजा धांधली के संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। ग्राम पंचायत बाघा ब्लॉक बिसंडा में आवंटित किए गए आवासों और शौचालयों सहित विकास कार्यों की जांच कराने के संबंध में आज जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। पूर्व में संलग्न शिकायत की प्रार्थना पत्र चंदा देवी पत्नी स्वर्गीय देवी दीन वर्मा और कैलाशिया पत्नी मैया दीन वर्मा आदि का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिस पर ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा पात्र लाभार्थियों से 20,000 आवास आवंटन के लिए के नाम पर लिए जाते हैं। यदि पैसा नहीं दिया गया तो अपात्र लोगों को लग भारतीय बनाकर आवंटन का खेल चल रहा है। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की लूट की जा रही है। नंगलापुरवा में विकास की एक भी किरण नहीं पहुंची। स्वस्थ शौचालय के नाम पर सिर्फ 20% लोगों को लाभ पहुंचाया गया। सैकड़ों घरों में आज भी शौचालय नहीं बना। खरंजा श्रीशी आवास यहां तक कि प्राथमिक और जूनियर स्कूल जाने तक के लिए खरंजा नहीं है। यदि हम ग्रामीण सचिव और प्रधान से इस विषय में बात करते हैं तो डांट कर भगा देते हैं। पात्र अभ्यर्थी सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और अपात्र व्यक्ति रिश्वत के बल पर लाभ प्राप्त कर लेता है। हद तो तब हो गई जब 18 बार और बंधुआ मजदूर चौकी पुणे से छूट कराए थे। हम लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। जिन लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए हैं उनसे पंचायत मित्र राजेश कुमार वर्मा द्वारा 1,000 रजिस्ट्रेशन के नाम पर पहले ले लिया जाता है और 20,000 आवास दिलाने के नाम पर लिया जाता है। और हम ग्रामीणों की मांग है कि हमारे ग्राम नगला पूर्वा पंचायत बागा में वर्ष 2015 से वर्तमान तक कराए गए विकास कार्यों की जांच कराते हुए उन गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ से शौचालय आवास नाली खरंजा सुविधाएँ दिलाई जाएँ और दोषी जनों के विरुद्ध कानूनी विभागीय कार्यवाही की करीब आधा दर्जन लोग शामिल थे। ज्ञापन में रामलाल, राम प्रसाद, कमलेश कुमार, उग्रसेन प्रमोद आजाद, बुंदेलखंड आजाद सेना और ओम प्रकाश आदि लोग शामिल थे। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से शालिनी पटेल की खास रिपोर्ट। इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।